बीपीएससी टीआरई का फाइनल आंसर की जारी किया जा चुका है और यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनली आपके मार्क्स कितने बढ़े हैं। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर कम भी हुए होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूँ जिन्होंने सही आंसर टिक किया है उनके तो मार्क्स बढ़े होंगे, लेकिन जिन्होंने गलती से मान लीजिए ए ऑप्शन की जगह बी एस सी लगा दिया होगा, और ऐसे में हो सकता है कि आयोग ने बी एस सी आंसर दिया हो, फिर से अपना उसने फाइनल आंसर किए में अपना आंसर चेंज किया है, तो इन दैट केस उसके मार्क्स फिर घट जाएंगे। यानी कि अगर आपने सही तरीके से सही अपने आंसर करेक्ट आंसर दिया है तो फिर यहाँ पर आयोग ने अपने उत्तर में सुधार किया है और उसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चिपको आंदोलन को लेकर के, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप इस पर आपत्तियाँ दर्ज करवा सकते हो, इसको जो है सुंदरलाल बहुगुणा इसके आंसर में अब ये सही कर दिया गया है। दूसरे अगर हम क्वेश्चन को लेकर के बात करें तो लैंडफिल गैस, इसमें अगर हम बात करें मीथेन गैस है आपकी जो है CH4 होती है, तो मीथेन को सही कर दिया गया है, ये दूसरा सवाल है। जब हम स्थानांतरणशील या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं तो इसे लंदांग मलेशिया जो है वो कर दिया गया है फाइनल आंसर की कि हम बात कर रहे हैं जो चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर अगर हम विद्युत विभव माप उपकरण की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि एक से अधिक, ध्यान रखिएगा एक से अधिक वहाँ पर इन्होंने आंसर माना है जब हम विद्युत विभव माप उपकरण की बात करते हैं। ओके, आगे है ब्रिटिश शासन के दौरान निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था, उस समय निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या था, तो विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, मतलब हमें एक विस्तारपूर्वक खेती करनी थी और वहीं पर कहीं ना कहीं भूमि को उन्नत करने को लेकर के एक जो रीज़न देखने को मिलता है वो निर्वनीकरण यानी डीफॉरेस्टेशन का रीज़न जो है वो देखने को मिलता है। अगला है यहाँ पर एक बीमारी, यहाँ पर है आपका दिया हुआ है मेथेमोग्लोबिनेमिया करके लिखा हुआ है, और ये आपका नाइट्रेट इसके पीछे जो है वो रीज़न है ये बताया हुआ है। तो जो करेक्ट अभी जो सही किया है आयोग ने, जो एक फाइनल आंसर की में करेक्ट करके चीज़ें दी गई हैं जिन पर कहीं ना कहीं आपत्तियाँ अभी दर्ज कराई जा रही थी, तो वो आपके ये हैं 6 सवाल। अब आप अपने फाइनल जो मार्क्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स जो फाइनल अपने मार्क्स हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ देखेंगे, तो उन स्टूडेंट्स के मिलान के बाद एक पोल के बाद कि कितने कुछ जो है आप कट ऑफ मार्क्स हो सकती है। वीडियो जल्दी ही आएगा एक और वीडियो के साथ में, मिलेंगे, शुक्रिया आप सभी का।